आज हम बनाने जा रहे हैं कनिका, जो कि ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर का 56 भोग में से एक विशेष भोग है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है ये खाने में और इसे आप झटपट आसानी से बना सकते हैं। कुछ मसालों से बनी हुई ये बहुत ही फ्लेवरफुल पुलाव को आप अक्सर बनाना चाहेंगे। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कनिका बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे। मसाला के लिए हमने यहाँ पे थोड़ी सी दालचीनी लिया है, साथ ही में थोड़े से काले मिर्च है, थोड़े से जायफल का टुकड़ा और लिया है एक स्टैंड जावित्री का। तो सबसे पहले हम दालचीनी और काले मिर्च को एक साथ ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, ये दालचीनी काले मिर्च का मसाला है और ये है जायफल और जावित्री की पिसी हुई मसाला। तो दोनों को अलग अलग बना लिया है। अब एक कढ़ाई में हम 2 चम्मच देसी घी लेंगे। कनिका भोग देसी घी में बनाए जाते हैं। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा, इसमें 2 तेजपत्ता और थोड़े से गरम मसाला डाल देंगे। इसमें है 3 छोटी इलायची, 3 लौंग, 1 छोटे जावित्री का स्टैंड्स, उसी के साथ लिया है 1 चक्रफूल यानी कि स्टार एनिस जिसे हम बोलते हैं। इलायची के मुंह खोलकर डालें। मसाले को हम लो मीडियम फ्लेम पे कुछ सेकंड्स भून लेंगे। कुछ सेकंड्स बाद इसमें बढ़िया खुशबू आएगा, तब यहाँ पे 25 ग्राम काजू डाल देंगे और काजू को हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। काजू से ये विशेष भोग का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आते हैं फ्रेंड्स। 1 मिनट काजू को भून लिया है, काजू के कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा किशमिश ऐड कर देंगे और किशमिश को भी काजू के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। कनिका जो है एक बहुत ही फ्लेवरफुल मीठी चावल है। बहुत ही कम सामग्री के साथ बनने वाली ये एरोमेटिक राइस जगन्नाथ देव का एक विशेष भोग है। देखिए, काजू और किशमिश हमारा फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें भिगे हुए चावल डाल देंगे। हमने यहाँ पर 1 कप बासमती चावल लिया है जिसे हमने आधा घंटा के लिए भिगो लिए हैं और एक्स्ट्रा पानी को ड्रेन आउट कर लिया है। आप चाहे तो किसी भी चावल से इसे बना सकते हैं। चावल को अब हम 2 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे ताकि चावल जो है खिला खिला बने। तो पहले चावल को मसालों के साथ मिक्स करने के बाद हमने जो दालचीनी काली मिर्च जायफल का मसाला पाउडर बनाया है ना, उसमें से आधा आधा डाल देंगे और बाकी आधा हम एंड में डालेंगे। तो दोनों टाइप के मसाला को आधा आधा डाल दिया है और बाकी आधा को हम बाद में ऐड करेंगे। उसी के साथ स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे। आप चाहे तो पानी डालने के बाद भी नमक डाल सकते हैं। तो मसाले को डाल के अच्छे से मिक्स कर दें और चावल को मसाले के साथ भून लेंगे। फ्रेंड्स, कनिका भोग में मसाला का एक खास रोल होता है, तो इसीलिए यहाँ पे इन मसालों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। फ्रेंड्स, आपको क्या बताऊँ, ये एरोमेटिक चावल से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रहे हैं। 2 मिनट चावल को भून लिया है। अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड कर देंगे। ध्यान रहे, 1 कप चावल के लिए 2 कप पानी डालना है। तो जिस कप से चावल को मापे ठीक उसी कप से आप पानी को भी माप लें। पानी डाल के चावल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक और ऐड कर देती हूँ। पानी को आप टेस्ट करके देखें, अगर ज़रूरत पड़े तो अभी इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे ढक के 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 6 मिनट के बाद ये देखिए, सारे पानी लगभग रिड्यूस हो गए हैं और चावल लगभग पक चुके हैं। थोड़ा सा हिलाए इसे। अब हम इसमें 1/2 कप या 100 ग्राम गुड़ डाल देंगे और गुड़ को चावल के साथ अच्छे से मिलाएंगे। क्योंकि ये भोग मीठी चावल होते हैं तो इसीलिए यहाँ पे गुड़ डाला है मैंने। आप गुड़ के जगह चीनी भी ले सकते हैं। गुड़ के साथ चावल को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसे ढक देंगे और एकदम लो फ्लेम पे और 5 मिनट चावल को पकाएंगे। तो पहले मीडियम फ्लेम पे 6 मिनट और फिर लो फ्लेम पे 5 मिनट पकाना है। 5 मिनट बाद कवर हटाया मैंने। हल्का सा चावल को मिक्स करना है।
गुड़ की वजह से चावल का कलर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया आ चुका है। अभी इसमें बाकी दोनों टाइप के मसाला पाउडर डाल देना है और मिला देना है और साथ साथ डालना है बस एक टीस्पून घी। लास्ट में ये फ्लेवरफुल मसाला और घी ऐड करने से ये चावल का स्वाद एकदम लाजवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। बस इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा के गैस बंद कर देंगे और इसे इसके भाप में ऐसे ही 10 मिनट रख देंगे, मतलब इस दौरान इसके स्टीम में ये पूरा पक जाएगा। तो 10 मिनट बाद इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे और आप देख सकते हैं कितना खिला खिला चावल बने हैं और साथ साथ है फ्लफी और मॉइस्ट। फ्रेंड्स ये बहुत ही मसालेदार होता है, इसे आप यूं ही खा सकते हैं। ये जो कनिका प्रसाद है इसे आज हम मिट्टी के बर्तन में सर्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की ये रेसिपी? अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।